हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कल्पना फॉर नीट बायोलॉजी. द टॉपिक आई एम टेकिंग टुडे इज सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और इन्फेक्शंस जो कि ट्रांसमिट होते हैं थ्रू सेक्चुअल इंटरकोर्स, उनको हम सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहते हैं. तो डिजीजेस और इन्फेक्शंस, विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और इन शॉर्ट STD. अनदर नेम फॉर दिस, इसके लिए दूसरा नाम और यूज होता है, वनरल डिजीजेस. VD या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही इन्फेक्शन होता है इसका, इसलिए ये तो STD शॉर्ट में, VD या RTI, ये सब सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज ही हैं. अब इनको, इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है? इनका ट्रांसमिशन जो है, जनरली ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है. बैक्टीरिया, वायरस या कोई और पैथोजन जिसमें प्रोटोजोआ भी आते हैं, वो ये डिजीज करते हैं और ये पास होती हैं फ्रॉम डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय ब्लड, सीरम और वजाइनल फ्लूइड या कोई भी बॉडीली फ्लूइड. फ्लूइड के लिए, तो इसलिए ये कब होता है, जब स्किन कांटेक्ट में आती है, एक स्किन दूसरे की स्किन में कांटेक्ट में आती है, और ब्लड, सीरम, वजाइनल फ्लूइड या बॉडीली कोई भी फ्लूइड जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं. उनके साथ में बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोन, जो भी पैथोजन है, वो ट्रांसमिट हो जाते हैं और ये डिजीज कॉज करते हैं. अब इसमें जो कॉमन डिजीजेज हैं STD में, जो कॉमन डिजीजेज हैं सबसे ज़्यादा, उनको लेते हैं. आपको बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ना है, पर इतना जानना ज़रूरी है कि ये किसकी वजह से होते हैं, कौन सा पैथोजन. अभी हमें बताया कि बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोन्स मेनली यही होते हैं जो इन्फेक्शन करते हैं, पैथोजन्स होते हैं जो इन्फेक्शन करते हैं. तो इसमें कौन कौन सी डिजीजेज आ जाती हैं वो तो देखते हैं. कॉमन डिजीजेज जो हैं वो हैं गोनोरिया, गोनोरिया, सिफिलिस, फिर जेनाइटल हर्पीस, जेनाइटल हर्पीस, फिर क्लैमाइडियासिस, फिर जेनाइटल वार्ट्स, फिर ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, और सबसे खतरनाक आजकल सबसे कॉमन वो है एड्स. ये जो है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं. इसमें
ये तीन तो अभी क्वेश्चन पूछा गया है नीट में इनका 2020 में, कि ये किस टाइप की डिजीज है। डिजीज का नाम दिया हुआ था गोनोरिया, सिफिलिस और जेनाइटल हर्पीज। ये किस तरह की डिजीज है? ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, क्योंकि ये सेक्चुअल इंटरकोर्स के थ्रू ही ये डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में पहुंचती है। इसमें से ये जो दो हैं, ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड तो है ही, इसके अलावा ये जरूरी नहीं है किसी, यदि पर्सन में डिजीज है ये वाली, तो जरूरी नहीं है कि वो सेक्चुअली ही ट्रांसमिट हो, क्योंकि इसके और भी तरीके हैं। जैसे कि ये ट्रांसमिट हो सकती है शेयरिंग, इंजेक्शन, नीडल्स। एक नीडल जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन में भी यूज हुई और फिर हेल्दी पर्सन में भी यूज हुई, तो भी ये ट्रांसमिट हो सकती हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एक की सर्जरी करी जाती है किसी पर्सन की तो फिर स्टरलाइज की जाती है, यदि ठीक से स्टरलाइज नहीं हुई और उसी को दूसरे हेल्दी पर्सन में कर दिया तो ये ट्रांसमिट हो सकती हैं। और फिर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, एक ब्लड, एक हेल्दी पर्सन डिजीज पर्सन का ब्लड दूसरे पर्सन में दिया जाता है, ट्रांसफर करा जाता है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। और लास्ट में ये फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। ये इसके लिए, ये पूरे जो चीजें हैं, ये हेपेटाइटिस बी और एड्स। यदि किसी को हेपेटाइटिस बी है तो जरूरी नहीं है कि सेक्चुअली ट्रांसमिटेड हुई हो, या किसी को एड्स है तो ये जरूरी नहीं है कि वो सेक्चुअली ट्रांसमिट हुई हो, उसके लिए ये जो है ये पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं। शेयरिंग इंजेक्शन नीडल, फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड या फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फिटस, इसमें ये हो गया। ये जो आया हुआ है ये क्वेश्चन, ये जो दो दो डिजीजेज हैं हेपेटाइटिस बी और एड्स, ये कैसे और ट्रांसमिट हो सकती हैं, ये 2021 में नीट में पूछा गया है। कौन सी डिजीज हैं सेक्चुअली ट्रांसमिटेड भी हैं और इससे भी हो सकती हैं, ये है हेपेटाइटिस बी और एड्स। फिर आता है ये जो कि कम्प्लीटली क्यूरेबल, इसमें से जो कम्प्लीटली क्यूरेबल डिजीज हैं, ये क्या है, ये कम्प्लीटली क्यूरेबल है, पूरी तरह से इलाज हो सकता है यदि इनको, इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड डिटेक्ट, शुरू की स्टेज में इसको डिटेक्ट कर लिया जाए और इसको क्या किया जाए, ट्रीटेड प्रॉपरली। शुरू में डिटेक्ट करके और फिर उनका इलाज कर दिया जाए तो ये बीमारियां जो हैं चारों, ये कम्प्लीटली क्योर हो सकती हैं। बस केवल यहाँ पर ये जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी और एड्स, ये जो है अभी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। तो ये इसमें ये भी आया हुआ है 2019 और 2021 में ये क्वेश्चन। अब जो रिसेंटली, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए, क्योंकि ये काफ़ी इसमें काम हो रहा है। तो ये तो सारी कॉमन डिजीज हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन इस इतना पता होना चाहिए कि ये कौन सी इनमें से ऐसी हैं जो सेक्चुअली इंटरकोर्स के अलावा भी हो सकती हैं, और कौन सी इसमें से कम्प्लीटली क्यूरेबल है। इसमें क्या है, जैसे ये है गोनोरिया, ये क्या है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से होता है इन्फेक्शन। और डिजीज़ जो है ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है, और यूरेथ्रा, रेक्टम या थ्रोट, इनमें ये इन्फेक्शन
हो जाता है। फिर सिफिलिस जो है ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और ये स्टार्ट होती है पेनलेस सोर्स से जो जेनाइटल ऑर्गन में, रेक्टम में और माउथ में होते हैं। फिर ये हर्पीज या जेनाइटल हर्पीज, ये वायरस की है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से होती है, और ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट की वजह से फैलती है रेक्टम और माउथ में। फिर क्लेमाइडियासिस है, ये बैक्टीरिया डिजीज है, बैक्टीरिया से फैलती है, और इसके शुरू में जो है कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, नो सिम्टम्स, लेकिन यदि अनट्रीटेड रहे तो बाद में बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जेनाइटल वार्ट्स जो हैं, ये एक वायरस है, पेपिलोमा वायरस, उससे फैलती है जेनाइटल वार्ट्स, और वार्ट्स जो होते हैं ये फोड़े से होते हैं, और ये पिंक कलर के होते हैं, और स्किन के ऊपर ये उभरे हुए रहते हैं, इसीलिए इनको वार्ट्स कहते हैं। ट्राइकोमोनियोसिस जो है, ये ट्राइकोमोनास एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, ये जो है ये क्या है, प्रोटोजोआ पैरासाइट है, ट्राइकोमोनास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है, उसकी वजह से होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा गंदी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है फ्रॉम विजाइना ऑफ फीमेल, तो ये प्रोटोजोआ से होती है। हेपेटाइटिस बी, ये तो पता ही होगा, ये जो वायरस की है डिजीज़ और लीवर की डिजीज़ है, सीरियस लीवर इन्फेक्शन है, और मे बी एक्यूट और क्रोनिक, लेकिन अब क्या है, इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। और एड्स जो है, ये एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशेंसी सिंड्रोम, इसको तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, अलग से ही आपको पढ़ना है इसको, और ये होती है एचआईवी से, वायरस है एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशेंसी वायरस से कॉज होती है। तो इन डिजीज़ के नाम मालूम होने चाहिए, कौन सी कम्प्लीटली क्यूरेबल है, और कौन और भी तरीके हैं इनके फैलने के, और दूसरी चीज़ कि इसमें से कौन सी, किसका वैक्सीन है, इसका वैक्सीन अवेलेबल है, बाकी तो ये इतनी तो आराम से डिटेक्ट, यदि अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो ये क्योर हो जाती है। तो इतना तो इसका हो, तो इसमें आपको ज़्यादा डिजीज के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन नाम मालूम होना चाहिए, और किस से फैलते, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है या प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन है। तो क्लेमाइटो, ये जो है ट्राइकोमोनियासिस, ये प्रोटोजोआ है, एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ होता है जो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट की वजह से ये फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, और ये इस तरह से सेक्चुअली ट्रांसमिटेड हो जाता है। तो ये हो गया जनरल, ये डिजीज है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब आते हैं सिम्टम्स पे, सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये डिजीज हैं। इसमें खास बात ये है कि शुरू में जो होता है इनकी सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं, इसीलिए जो है इनको पता नहीं चलता, जब ये सीवियर इन्फेक्शन हो जाए सिम्टम्स आते हैं तभी पता चलता है। तो अब इसमें सिम्टम्स में क्या है, ये हमेशा जो है कोई सिम्टम्स कॉज करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमें ज़्यादातर क्या होता है, अननोटिस रह जाते हैं जब तक कि कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, या जो पार्टनर है उसमें डिजीज़ डायग्नोज हो जाती है। यदि पार्टनर में डिजीज़ डायग्नोज हुई है, इसका मतलब उस पर्सन में डिजीज़ होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन फैलता है इसका। जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत माइनर होते हैं, और उनमें क्या होगा, इचिंग शुरू में जो होगा वो क्या हो सकती है, इचिंग हो सकती है, फिर फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, ये जेनाइटल ऑर्गन से फ्लूइड डिस्चार्ज है, स्लाइट पेन, स्वेलिंग, हो सकती है जेनाइटल रीजन में, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन या स्वेलिंग इन द जेनाइटल रीजन, तो वो जो है ये शो करेंगे। हालांकि शुरू में बहुत इनिशियल स्टेज होगी तो ये कोई सिम्टम्स नहीं देते हैं, और ज़्यादातर ये जो आते हैं ये क्या आते हैं, 15 से
24 ईयर्स एज के लोगों में होता है ज़्यादातर इनका। अब जैसे बताया कि यदि शुरू में ही इसको वो नहीं करेंगे, ट्रीट करेंगे, यदि पता पहले तो डिटेक्ट होनी चाहिए और फिर इसकी ट्रीटमेंट होना चाहिए प्रॉपर। लेकिन यदि नहीं किया तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस होने से क्या क्या हो सकता है ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको पढ़नी है। तो इसमें क्या हो गया कॉम्प्लिकेशंस, शुरू में तो ये डिजीज क्या हो सकती हैं, सिम्टमलेस है, पता नहीं चलेगा, फिर बाद में बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, लेकिन फिर भी ट्रीट नहीं किया, ध्यान नहीं दिया तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स जो होते हैं अर्ली स्टेजेस में इन्फेक्शन के। और दूसरी चीज़ सोशल स्टिग्मा भी है, किसी को बताया बताते नहीं है कि हम जो है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड एसटीडी डिजीज हैं, तो इस तरह से इसकी वजह से ये क्या होता है बहुत टाइमली इनका डिटेक्शन नहीं हो पाता है और ये कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, पहला कॉम्प्लिकेशन जो है वो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, PID, इन्फेक्शन ऑफ पेल्विक रीजन, पेल्विक ऑर्गन्स इंक्लूडिंग यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज, कॉजिंग लोअर एब्डोमिनल पेन। ये नाम से ही समझ में आ रहा है, तो ये जो इन्फेक्शन कहाँ पर होगा, पेल्विक रीजन में, और उसमें यूट्रस आएगा, फैलोपियन ट्यूब आएगी और ओवरीज आ सकती हैं, और जो जहाँ पर ये होती हैं नीचे पेल्विक रीजन में वहाँ पर एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, लोअर एब्डोमिनल पेन। दूसरा होता है एबॉर्शन, लेडीज के केस में यदि ये डिजीज हो गई तो एबॉर्शन के चांसेस होते हैं। एबॉर्शन क्या होता है, एक्सपल्शन ऑफ फीटस फ्रॉम यूट्रस बिफोर 20th वीक ऑफ गेस्टेशन, बिफोर आपको पता है गेस्टेशन का पीरियड 9 मंथ का होता है, तो 9 मंथ में तो पूरा मैच्योर फीटस हो जाता है, लेकिन यदि 20 वीक का है और उससे पहले ही ये एक्सपल्शन हो जाता है उसका, उसको क्या कहते हैं एबॉर्शन कहते हैं। फिर तीसरा है स्टिल बर्थ माने मरा हुआ बच्चा पैदा होना, क्या होता है लूजिंग द बेबी बिटवीन 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी एंड बर्थ इज कॉल्ड स्टिल बर्थ। 20th वीक से लेके और बर्थ होने तक के बीच में यदि जो शिशु बच्चा है वो मर गया तो इसको कहते हैं स्टिल बर्थ। और इन्फेक्शन इसमें कब हो सकता है, जब वो फीटस जो है वूम के अंदर है, यूट्रस के अंदर है, अभी इम्प्लांटेड हो रखा है, उस समय इन्फेक्शन हो सकता है, या ड्यूरिंग लेबर जब उसका बर्थ हो रही है उसके दौरान भी इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, और इन्फेक्शन की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। फिर होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्ट माने आउटसाइड, वैसे इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद पूरा डेवलपमेंट कहाँ होता है यूट्रस में, इम्प्लांटेशन कहाँ होता है यूट्रस में, लेकिन यदि यूट्रस में नहीं हो रहा है इम्प्लांटेशन, कहीं और हो रहा है, उसको हम कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज एम्ब्रियो इंस्टेड ऑफ यूट्रस, उसको कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ज़्यादातर ये मूव ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉमन है किसमें, फैलोपियन ट्यूब में, तब उसमें इसको क्या कहते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी, जहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ वहाँ से फिर ये यूट्रस में नहीं आया, वहीं पर इसका डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, तो ये कहलाता है ट्यूबल प्रेगनेंसी। ये एक टाइप है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, एक्टोपिक माने वो यूट्रस में नहीं होगा, उसके बाहर कहीं भी हो सकता है, तो प्रेगनेंसी दैट हैपेंस आउटसाइड यूट्रस उसको हम क्या कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और जब ये फैलोपियन ट्यूब में होगा उसको हम ट्यूबल प्रेगनेंसी कहते हैं। और इसमें कॉम्प्लिकेशन तो है ही है ये,
एबनॉर्मल पेन हो सकता है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, तो इससे ये डिटेक्ट हो जाता है। फिर है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी तो बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं हम, मेरा एक वीडियो भी है, आप जिसने देखा हो देख सकता है। इनफर्टिलिटी में क्या होता है, अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, तो वो क्या उसके बहुत सारे कारण हैं, फिर कैसे उनको ओवरकम करते हैं ये पूरा वहाँ पे समझाया हुआ है, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। और फिर नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर आप जानते ही हैं कि क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स कॉजिंग ट्यूमर्स विच मे बी कैंसरस। तो ट्यूमर बनते हैं, ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक तो कैंसरस होते हैं और एक कैंसरस नहीं होते हैं। लेकिन यदि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगा तो ये क्या करता है, ये कैंसर हो सकता है। तो इस तरह से ये तो हो गए इसके कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस क्यों होते हैं, क्योंकि शुरू में ये डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं डिजीजेस, और जब ये काफ़ी टाइम बीत जाता है तब ये कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस करते हैं, और कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, खासकर फीमेल में तो ये बहुत ही, क्योंकि यदि अभी प्रेग्नेंट फीमेल है तो ये इवन जो है फीटस को भी नुकसान पहुँचाते हैं, इसलिए बहुत इन केस ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब इतनी सारे खतरनाक है तो फिर प्रिवेंशन क्या है, आप जानते हो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और कुछ आप बताया था कि कुछ का तो इलाज ही नहीं है, संभव ही नहीं है, तो प्रिवेंशन क्या होंगे। पहला तो क्या होगा, पहला प्रिवेंशन है अवॉइड सेक्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर, क्योंकि पता नहीं होता किसको ये डिजीज है, सिम्टमलेस रहती है तो मालूम नहीं पड़ता कि डिजीज है कि नहीं, और उस समय ये ट्रांसमिट हो सकती है। फिर है यूजिंग बैरियर्स ड्यूरिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये केवल बर्थ कंट्रोल में ही काम नहीं आता, बल्कि ये एसटीडी को रोकने में भी, रिस्क जो है एसटीडी होने का उसको भी कंट्रोल करता है। वैसे इसका पूरे डिटेल आपने जो है बर्थ कंट्रोल में पढ़ा है, तो बर्थ कंट्रोल के लिए भी है। दूसरी चीज़ ये क्या है कि जो एसटीडी से सफर हो रहा है किसी कोई पर्सन, तो वो ये स्प्रेड नहीं होगा। फिर तीसरा क्या है, तीसरा है गेट वैक्सीनेशन, जिसकी भी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं उसको, उसका क्या करना चाहिए, जैसे हेपेटाइटिस बी उसकी वैक्सीन अवेलेबल है तो ज़रूर लगवानी चाहिए, जैसे कि हेपेटाइटिस, ये जो है लीवर की डिजीज है और काफ़ी सीरियस हो सकती है, माइल्ड से लेके एक्यूट तक इसमें होती है। दूसरा जब यदि डाउट हो सिम्टम्स के कि ये हो सकते हैं, तो कंसल्टेशन और ट्रीटमेंट इन केस ऑफ डाउट। ये था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि अब रिसेंट जो साइंस है उसमें इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योर भी रहे, प्रिवेंशन सबसे ज़्यादा प्रिवेंशन, नेशनल पॉलिसीज आ रही हैं कि इनका प्रिवेंशन हो सके, और ये इस जागरूकता लोगों में आए कि ये डिजीज़ जो हैं आगे ना फैले। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, इतनी डिजीज़ ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है। इसमें एड्स आपको डिटेल में बाद में पढ़ना है, कैंसर आपको डिटेल बाद में पढ़ना है, तो ये चीज़ें तो आपको बाद में डिटेल पढ़नी है, बाकी इतना ही काफ़ी है। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।